Hello guys, let's crack UPSC CSE and myself Mukesh Kumar Singh, and today I'm going to discuss about digestive systems and its hormones, enzymes and major problems that are associated with the digestive system. So aaj ka hum log ka lecture hoga digestive system pe, par hum baat karenge तो कौन कौन सा हार्मोन्स हैं जो डाइजेस्टिव सिस्टम को एक्टिवेट करता है, और कौन कौन सा एंजाइम्स हैं जो डाइजेशन में हेल्प करता है, और इसके जो अलग अलग जो ऑर्गन्स हैं उसके क्या क्या काम हैं. बिफोर गोइंग टू स्टार्ट दिस सेशन आई वुड लाइक टू से समथिंग अबाउट अन अकेडमी. एंड एज यू ऑल नो अन अकेडमी इज द इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म फॉर सिविल सर्विस एग्जामिनेशन. तो एंड बिकॉज ऑफ इट्स ऑसम फैकल्टी टीम. Now, throughout India, majority of the students gradually they connect themselves with an academy. They take subscriptions, admissions. तो आप लोग भी पीछे नहीं रह जाओ अपनी तैयारी को. अगर आप ऑनलाइन करना चाहते हो तो बेटर ये होगा कि आप अन अकेडमी के साथ जुड़ करके अपनी तैयारी को कीजिए. और इसमें जुड़े कैसे, पहला क्वेश्चन तो ये है, जुड़ने के लिए आप लोगों को सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा, मतलब एडमिशन करवाना पड़ेगा. और एडमिशन के बाद आपको क्या मिलेगा, मिलेगा आपको डेली लाइव क्लासेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्स, लाइव टेस्ट इंक्लूजन एंड अनलिमिटेड एक्सेस ऑफ वीडियोस. एंड आप बहुत सारे रिकॉर्डेड कोर्स भी आपको यहां पे मिल जाएगा. इसके अलावा अन अकेडमी का जो लर्निंग ऐप है इसके लिए आप लोगों को डाउनलोड करना होगा. और जैसे आप डाउनलोड करोगे यहाँ पर आपको टेलीग्राम का मेरा लिंक दिख जाएगा, मुकेश सर @ ऑफ अन अकेडमी. और यहाँ पर एक बात और याद रखिए आप लोग, मैं अपने विषय में बता देता हूँ. माई सेल्फ मुकेश कुमार सिंह, वर्किंग एज फैकल्टी ऑफ UPSC CSE इस 2004, टीचिंग एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शंस एंड जीएस साइंस टेक जनरल साइंस एंड इकोलॉजी एनवायरनमेंट. आई हैव अपीयर्ड इन UPSC CSE मेन एग्जामिनेशन एंड करंटली वर्किंग इन दिल्ली एज फैकल्टी एट सेवरल मोस्ट रेप्यूटेड एकेडमी ऑफ सिविल सर्विसेज. सो अलॉन्ग विथ मी एट दिस प्लेटफॉर्म यू विल गेट द क्लासेस एंड लाइव लेक्चर ऑफ मोर देन 100 टॉप एजुकेटर्स. उस लोगों का चेहरा सामने देख पा रहे होंगे आप लोग. और ये है अन अकेडमी का कम्प्रिहेंसिव कोर्सेज जो इसका नंबर है मोर देन 15,519. अब इसमें आपको एडमिशन लेना है तो यहाँ पे दो तरह का कोर्स ऑफर हो रहा है, वन है प्लस, दूसरा आइकॉनिक. और प्लस में आपको अगर एडमिशन लेना है तो इसमें आपको यहाँ पे मिल जाएगा लाइव क्लास, प्लस आपको यहाँ पे मिल जाएगा टेस्ट सीरीज, प्लस अनलिमिटेड प्रैक्टिस कर सकोगे, प्लस स्ट्रक्चर शेड्यूल, ये सारा कुछ यहाँ पर मिल जाएगा आपको. इसमें इसका जो फी दिया हुआ है यहाँ पे है 1 मंथ से लेकर 36 मंथ का ड्यूरेशन, अलग अलग फी है. और इसमें इंस्टॉलमेंट भी आप दे सकते हो. और यहाँ पे आप रेफरल कोड MKS1 को यूज़ करके आपको 10% का इमीडिएट डिस्काउंट यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है. और डिस्काउंट के बाद आपको ये फी हो जाएगा और मंथली इंस्टॉलमेंट ये हो जाएगा यहाँ पे. इसके अलावा अगर मैं यहाँ पे बात करूँ अन अकेडमी का एक और कोर्स है, वो है आइकॉनिक. आइकॉनिक के सारे जो फीचर्स यहाँ पर दिया हुआ है कि ये देख रहे हो, यहाँ भी अगेन रेफरल कोड MKS1 को यूज़ कीजिए और 10% का डिस्काउंट यहाँ पर बिल्कुल आपको मिल जाएगा. जब आप अन अकेडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करोगे वहाँ पे आपसे कोड मांगा जाता है MKS1, और उस कोड को वहाँ पे अप्लाई कर दीजिए और आपको 10% का कॉन्सेशन यहाँ मिल जाएगा. ये कोर्स बिल्कुल उन बच्चों के लिए है जो फ्रेशर्स हैं, जो ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर में है या सेकंड ईयर में है या पास आउट हैं और प्लान कर रहे हैं कि उनको UPSC की तैयारी करनी है, ये उन स्टूडेंट्स के लिए है. अब यहाँ पे एक और है कि ऑप्शनल के लिए अलग ड्यूरेशन हैं, फी दिया हुआ है. अगेन यूज दिस रेफरल कोड एंड टेक 10% डिस्काउंट ऑन द इंटायर फी, ठीक है. उसके बाद न्यू बैचेस में बात करूंगा जो UPSC CSE 2021-22-23 के लिए स्टार्ट हो रहा है 11 जनवरी से. आप इस कोर्स में भी अपना इनरोलमेंट ले सकते हो. और इसमें इनरोलमेंट के बाद आपको क्या मिलेगा, ये कोर्स कई सारे फैकल्टी टीम हैं उनके मार्गदर्शन में चलाया जा रहा है, तो आप इनमें से किसी का भी मार्गदर्शन चुन सकते हो. और ये बैचेज जो हैं अलग अलग कोर्स में हैं, और ये बैचेज कंप्लीट पैकेज भी है, ये बैचेज पर्टिकुलर टॉपिक पे भी है, NCERT को लेकर के भी है, हिंदी में भी है, इंग्लिश में, बाइलिंगुअल में भी है. ये आपको तय करना है कि आपको कौन सा कोर्स लेना है. और यहाँ पे कॉम्बो प्लान चल रहा है जो प्लस और आइकॉनिक को लेकर के है. प्लस और आइकॉनिक में क्या है, यहाँ पे कॉम्बो फी है, दोनों का फीचर्स मिल जाएगा और उसकी फी लगेगा यहाँ पे ये होगा अलग अलग ड्यूरेशन में. 12 मंथ का मान लो 88,705 रुपये में आपको ऑप्शनल प्लस GS, आइकॉनिक का GS फीचर्स और प्लस का ऑप्शनल फीचर्स, ये दोनों मिल रहा है आपको. मुझे लगता है कि दिस इज द वन ऑफ द बेस्ट पैकेज डिजाइन फॉर एवरी एक्सपीरियंस जो आर फ्रेशर बिगनर्स और जो लोग अफोर्ड नहीं करते उन सबके लिए. वैसे ही यहाँ पर GS और ऑप्शंस का जो प्लस है तो मिलाकर के कोर्स डेवलप किया गया, इसका फीस 70,000 रुपीज़ है.
आप इसमें से किसी को भी चुन करके अपनी तैयारी को कंटिन्यू कर सकते हो। और आइकॉनिक तो आपको बिल्कुल ही ज्वाइन करना ही लेना ही चाहिए, ठीक है। आइकॉनिक कोर्स का फी भी वैसे बढ़ने वाला है। इस कोर्स में होगा कि आप अपने फैकल्टी से कनेक्ट कर सकते हो। आइकॉनिक कोर्स में आप मेन टेस्ट सीरीज का पार्ट बन सकोगे, कस्टमाइज कर सकोगे अपने स्टडी प्लानर को, अटेंड कर सकोगे बूस्टर सेशन को, पार्ट बन सकोगे हाई इंटेंसिटी वर्कशॉप का, और आंसर राइटिंग डेली कर सकोगे आप। सो इफ यू वांट टू प्रिपेयर योर सेल्फ विद डेली कॉन्टेंट, अपग्रेड योर अर्लियर सब्सक्रिप्शन और टेक एनी न्यू सब्सक्रिप्शन। नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट, तो आज का हम लोग का टॉपिक ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का हम लोग बात कर रहे हैं और सबको पता होगा कि सिस्टम का काम क्या है। दिस इज द फर्स्ट लेक्चर ऑन डाइजेस्टिव सिस्टम। और मैं बताता हूँ डाइजेस्टिव सिस्टम में आपको वैसे ऑलमोस्ट एक लेक्चर का टॉपिक नहीं है, इसमें आपको कम से कम जो मुझे समझ में आ रहा है कि जो कंप्लीट लेक्चर होगा ये चार अलग अलग टॉपिक में ये लेक्चर पूरा होगा। तो आप याद रखना, मैं एक चीज बताना आप लोगों को भूल जाऊँगा अगर आगे, ये आज का लेक्चर होगा पार्ट वन, इसके होंगे पार्ट टू और तब होगा इसका पार्ट थ्री। तब जाकर के पार्ट वन, पार्ट टू और पार्ट थ्री में जाकर लेक्चर पूरा होता है। तीन लेक्चर इस पर टोटल होने हैं आपको। तो पहला लेक्चर ये है आज का, डाइजेशन का पार्ट वन लेक्चर है ये। इस पार्ट वन लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे आज कि डाइजेशन क्या होता है, ये सब छोटी छोटी बातों को, पूरा प्रोसेस क्या है। तो मैं एक बार पहले आप लोगों को पूरा प्रोसेस समझाता हूँ। डाइजेशन क्या है, जब हम लोग कोई भी खाना खाते हैं तो उस खाना का हमें क्या निकलना है, आखिर हम खाना खाते किस लिए, एनर्जी के लिए, ठीक है। खाना हम किस लिए खाते हैं, फूड क्यों लेते हैं हम लोग, हैं और द एनर्जी, हम चाहते हैं एनर्जी के लिए, पर्पज फूड ये एनर्जी है। पर ये सिस्टम एनर्जी को ड्रो नहीं करता, ये सिस्टम सिर्फ क्या करता है, ये फूड का ब्रेकडाउन करेगा। जो फूड लोगे वो कॉम्प्लेक्स होता है, उस कॉम्प्लेक्स फूड को ये सिस्टम ब्रेकडाउन करेगा और इसे सिंपलर बना देगा। और सिंपलर मतलब बनाने के प्रोसेस में माउथ का सपोर्ट होगा, आपके स्टमक का सपोर्ट होगा, आपके स्मॉल इंटेस्टाइन का सपोर्ट होगा, और यहीं पे फूड अल्टीमेटली फाइनली डाइजेस्ट हो जाएगा। और डाइजेशन के बाद वो फूड एब्जॉर्ब हो जाएगा, शेष जो बचा हुआ वेस्ट होगा वो आप जाएगा लार्ज इंटेस्टाइन का ये जो पार्ट, इसमें जाएगा यहाँ से यहाँ, और फाइनली ये वेस्ट के फॉर्म में बॉडी से बाहर ये रिलीज हो जाएगा। तो फिर एनर्जी की बात मैं कर रहा था, एनर्जी कैसे निकालेंगे, एनर्जी के लिए हमें चाहिए यहाँ पे फूड का, जो अब ये एब्जॉर्ब हुआ इंटेस्टाइन में, जब ये फूड यहाँ से एब्जॉर्ब होने के बाद ये जाएगा हमारे ब्लड में, अब ब्लड से हमारे बॉडी के पूरे बॉडी होल बॉडी में जाएगा, होल बॉडी के हर एक सेल्स में। हमारा पूरा बॉडी बना हुआ है 10^13 सेल से या 14 सेल से कह सकते हो, इतने सेल से हमारे बॉडी में बना हुआ है, इतना सेल हमारे बॉडी में है। अब ये जो सेल्स होता है इन सभी सेल में पहुँचाया जाएगा ऑक्सीजन, और ये ऑक्सीजन जो यहाँ पहुँचाया जाएगा सेल्स में, एक तरफ से फूड आएगा, एक तरफ से ऑक्सीजन आएगा, और वो ऑक्सीजन इस फूड को, उस ग्लूकोज को जो एब्जॉर्ब होकर के सभी सेल में पहुँचा है, वहाँ पे उसको तोड़े अल्टीमेटली माइट्रोकॉन्ड्रिया में जाकर उसको ब्रेकडाउन करेगा, जहाँ पे माइट्रोकॉन्ड्रिया के F0 F1 पार्टिकल में एनर्जी लिबरेट होगा इन द फॉर्म ऑफ ATP, और उस ATP को माइट्रोकॉन्ड्रिया या तो स्टोर करेगा या अपने सेलुलर फंक्शन में यूज करेगा। और हर सेल में ही होता है, हर एक सेल में ही होगा। अगर किसी सेल में कम होगा और उसे एनर्जी कर सकता होगी तो माइट्रोकॉन्ड्रिया उसे भी वो एनर्जी सप्लाई कर सकता है, ठीक है। अदरवाइज दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस इन ईच एंड एवरी सेल्स ऑफ द बॉडी, इन ईच एंड एवरी कॉर्नर ऑफ द बॉडी, हमारे बॉडी के प्रत्येक कॉर्नर में। कुल दो बात समझना, इस सिस्टम का काम क्या होता है, टू ब्रेक डाउन द कॉम्प्लेक्स फूड इन टू सिंपलर फूड, वन फॉर द सेक ऑफ एनर्जी की बात करेंगे तो वहाँ पे हमें रेस्पिरेटरी सिस्टम हेल्प लेना पड़ता है, क्योंकि वही वो सिस्टम है जो ऑक्सीजन को सप्लाई करने का काम करता है। अब ये क्वेश्चन यहाँ बनता है, थोड़ा सा स्ट्रक्चर मैं बताता हूँ आप लोगों को, इस सिस्टम में क्या क्या है। इस सिस्टम में दो चीज़ें हैं, एक सिस्टम में है ऑर्गन, ये जो होल सिस्टम है इसमें दो चीज़ें हैं, एक है डाइजेस्टिव ऑर्गन और दूसरा इसमें है डाइजेस्टिव ग्लैंड। ऑर्गन की बात है तो मैं पहले ऑर्गन का बात कर लेता हूँ। ऑर्गन कौन कौन सा है, एक हो गया माउथ है, दूसरा ऑर्गन हो गया आपका इसोफेगस, ठीक है, तीसरा ऑर्गन यहाँ हो गया आपका स्टमक, ठीक है, चौथा ऑर्गन हो गया यहाँ पे आपका स्मॉल इंटेस्टाइन, पांचवा हो जाएगा लार्ज इंटेस्टाइन, छठा हो गया यहाँ पे आपका पेनस, ये है वो मेन ऑर्गन। रेस्ट जो देख रहे हो, या ठीक है रेस्ट जो देख रहे हो, जैसे मान लो लीवर हो गया, ये
ग्लैंड है, पहला ग्लैंड कौन है, सलाइवरी ग्लैंड, ये मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ये ग्लैंड के पहले पार्ट में ऐसा कलर बदल दे रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए। तो ग्लैंड है वो अलग है, ठीक है, ये ग्लैंड है, ये क्या हो गया, ये ग्लैंड हो गया, एक सलाइवरी ग्लैंड, दूसरा लीवर, ये भी ग्लैंड है, तीसरा है गॉल ब्लैडर, ये भी ग्लैंड है, चौथा पैंक्रियाज, ये भी ग्लैंड्स हैं, ठीक है, और पांचवा अपेंडिक्स, ये वेस्टिजियल ऑर्गन है, ये देख रहे हो आप। अगर ग्लैंड की हम बात करते हैं, स्टमक में भी कुछ सेल्स होता है, ये भी ग्लैंड और ऑर्गन दोनों काम करता है, और इंटेस्टाइन का जो देख रहे हो ये भी ग्लैंड और ऑर्गन दोनों काम करता है। इस प्रकार से पांच ग्लैंड भी हैं, ठीक है, अब यहाँ पे देख सकते हो। तो होना क्या इसमें, चलते हैं थोड़ा सा फ्रेश स्लाइड लेकर के, मैं आपको समझा देता हूँ। होगा ये माउथ में आप फूड लोगे, माउथ में क्या होगा, फूड का वहाँ पर चीविंग करोगे, चबाने के बाद फूड कहाँ जाएगा आपके, आइसोफेगस में, आइसोफेगस यहाँ पर ले लेते हैं, आइसोफेगस से फूड यहाँ पे होगा, आप लोग फूड को निगलोगे, निगलने के बाद स्टमक में आएगा, यहाँ पर फूड डाइजेस्ट होगा, डाइजेस्ट होगा यहाँ पे, उसके बाद ये फूड आगे आगे की तरफ बढ़ेगा, तब आगे ये स्मॉल इंटेस्टाइन में, ये स्मॉल इंटेस्टाइन यहाँ पे पूरा क्या स्मॉल इंटेस्टाइन है ये सब, फिर अल्टीमेटली जो फूड होगा ये यहाँ पे देखोगे, ये स्मॉल इंटेस्टाइन से में फूड का डाइजेशन पूरा हो जाएगा, डाइजेशन पूरा होने के बाद फूड का एब्जॉर्प्शन हो जाएगा, अब्सॉर्प्शन हो जाएगा, अब्सॉर्प्शन होने के बाद शेष जो फूड होगा वो बढ़ेगा लार्ज इंटेस्टाइन की तरफ, ठीक है, यहाँ पे बैक्टीरियल एक्शन होगा, कुछ विटामिन बनेगा, ठीक है, और फाइनली ये फूड यहाँ से होते हुए आ जाएगा एनस में, और रेक्टम में कुछ देर ठहरने के बाद 2-4 घंटे फिर ये वेस्ट के फॉर्म में शरीर से बाहर निकल जाएगा। बनता है ये पूरा सिस्टम इतना इम्पोर्टेंट कैसे हो गया, ये तो हम लोग बात करने वाले सभी चीज़ का बात हम लोग करेंगे, मतलब वो सिस्टम में डाइजेशन क्या है, ये क्या है कॉम्प्लेक्स फूड का ब्रेक डाउन सिंपलर में करना, कॉम्प्लेक्स फूड का ब्रेक डाउन सिंपलर में करना डाइजेशन कहलाता है। कॉम्प्लेक्स फूड मतलब जो आप खाते हो, जो फूड आप खाते हो, अब ब्रेक डाउन का मतलब वो तोड़ना, ये जो प्रोसेस है ये दो तरह का होता है, आप कली भी करते हो और इसको आप केमिकली भी करते हो। फिजिकली का मतलब हुआ जब आप माउथ से फूड को लेते हो, दांत से चबाते हो, जबरा का इस्तेमाल करते हो, तो मैकेनिकल प्रोसेस होगी, या आपका पेट में चूहा कूदता है, एसोफेगस हो गया, तो जहाँ जहाँ ये मैकेनिकल हो गया, जहाँ पे आपके ऑर्गन्स का एफर्ट लगता है, और केमिकल का मतलब हुआ जहाँ पे एंजाइम का यूज करते हो, अलग अलग ऑर्गन से, अलग 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 ग्लैंड से, ऑर्गन का फंक्शन क्या है फिजिकल फंक्शन, और जो ग्लैंड का फंक्शन क्या है केमिकल फंक्शन, क्योंकि मैंने कहा डाइजेस्टर में दो चीज़ें हैं, एक ऑर्गन इन्वॉल्व है, एक ग्लैंड इन्वॉल्व है, ये एंजाइम निकलेगा, और ये एंजाइम और ये मैकेनिकल एफर्ट्स बाय द ऑर्गन्स दोनों मिलकर के डाइजेशन को कैरी आउट करेगा, और इस प्रकार से कॉम्प्लेक्स फूड सिंपल फूड में बदल जाएगा, ठीक है, बात समझ रहे हो। अब यहाँ पे एक बात समझ, मतलब डाइजेशन कैसा प्रोसेस हो गया, ये हो गया कि जिसमें होता है ये लिविंग बींग में होगा, लिविंग बींग में होगा तो बायो एफर्ट्स क्या लगा, मैकेनिकल मैकेनिको और एंजाइमेटिक मतलब केमिकल, तो डाइजेशन कैसा प्रोसेस, बायो मैकेनिको केमिकल प्रोसेस है, ठीक है, क्या कह सकते हो मैकेनिको को, फिजियो कह सकते हो, फिजियो भी कह सकते हो, तो बायो फिजियो केमिकल प्रोसेस होता है डाइजेशन, ये बात ही आप लोग समझ। अब क्वेश्चन यहाँ पे होगा, हम लोग पहले बात करेंगे ऑर्गन का, ठीक है, डाइजेशन में बताया था स्टेप्स क्या क्या इन्वॉल्व है, स्टेप्स इन डाइजेशन, पहले फूड को लिया, फूड को लेना क्या कहलाएगा, इंजेक्शन, लेने के बाद फूड को क्या ब्रेक डाउन किया, डाइजेशन, डाइजेस्ट करने के बाद फूड को एब्जॉर्ब किया, एब्जॉर्प्शन, उसके बाद फूड को सेल में गया, सेल जब उसको लेगा तो एसिमिलेशन, और फिर उस फूड का क्या हुआ,
फिर उस फूड का क्या हुआ, उस फूड का हुआ एक्सक्रीट, जो वेस्ट है आफ्टर एसिमिलेशन, मतलब अंतर ग्रहण हिंदी में लिखे तो इसको, नहीं पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण, और उत्सर्जन, ये वो चार स्टेप होता है। आई होप कि आप समझ गया हो गया क्यों स्टेप्स है। अब ये स्टेप कहाँ होता है, इसमें कौन सा स्टेप इन्वॉल्व है, माउथ, इसमें क्या इन्वॉल्व है डाइजेशन में, तो माउथ का ग्लैंड हो गया, तो माउथ भी होगा प्लस स्टमक में भी होगा प्लस इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन ये होगा, यहाँ ये कहाँ होगा स्मॉल इंटेस्टाइन प्लस लार्ज इंटेस्टाइन, और एसिमिलेशन कहाँ होगा, ये हो गया टिश्यू में, और ये क्या होगा एनस के द्वारा एक्सक्रीशन, ये वो अंग इन्वॉल्व होता है, तो ये अंग आप लोगों को यहाँ पे ध्यान रखना है। अब मैं जो बात करने जा रहा हूँ वो मैं बात करूंगा कि डाइजेस्टिव सिस्टम में, ठीक है, एक डायग्राम अगर देखना चाहो तो आप लोग देख चुके हैं, डायग्राम बनने की जरूरत नहीं है। अब ऑर्गन की बात करें, डाइजेस्टिव ऑर्गन, डाइजेस्टिव ऑर्गन नंबर एक माउथ, नंबर दो पता है आप लोगों को ना एसोफेगस, नंबर तीन क्या है बताइए आप लोग, स्टमक, अमाशय, नंबर चार स्मॉल इंटेस्टाइन, नंबर पांच लार्ज इंटेस्टाइन, नंबर छह, देखो माउथ से फूड आया या इसोफेगस में, फिर गया स्टमक में, फिर गया स्मॉल इंटेस्टाइन में, फिर गया लार्ज इंटेस्टाइन में, फिर गया एनस में। कुछ बातें जो मैं इसलिए इसको लिखा हूँ ताकि ये रिपीट नहीं है, एक्चुअली यहाँ पे कुछ बात है। माउथ में कौन कौन सा ऑर्गन्स हैं आप लोगों को पता होना चाहिए, यहाँ पे बहुत सारे ऑर्गन्स होता है, यहाँ पे जैसे यहाँ पे टॉन्सिल हो गया तो पढ़ना चाहिए आप लोगों को, दूसरा यहाँ पे माउथ में और क्या है, माउथ में टीथ है, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, माउथ में टंग भी है, है? और माउथ में एक पैलेट भी होता है, वैसे एसोफेगस खुद ही ट्यूब है यहाँ पे, में ठीक है एक प्रकार का मूवमेंट तरह का मूवमेंट है, इसको क्या बोलते हैं पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट, फूड का इस तरह का मूवमेंट होता है, इसको बोलते हैं पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट, जैसे सांप के पेट में भोजन जाता है तो क्रमानुकुंचन गति होता है ये, ठीक है ना, मतलब का एक मूवमेंट है बिल्कुल पेरिस्टाल्सिस, तो दिस मूवमेंट अलाउ द फूड दैट पास पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट, इसी के थ्रू फूड माउथ से कहाँ आएगा स्टमक में, स्टमक में चार पार्ट बटा होता है, पर मैं स्टमक क्या होता है ये तो नेचर कैसा होता है, माउथ का भी नेचर याद रखना, माउथ क्या होता है ये अल्कलाइन नेचर का होता है, पीएच कितना होता है, और आइसोफेगस का भी अल्कलाइन नेचर का होगा, ये स्टमक में जो फूड आएगा तो ये होता है एसिडिक, तो यहाँ पे एचसीएल का एक्शन होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड यहाँ पे पाया जाता है ये, और जिसे बोलते हैं गैस्ट्रिक जूस, गैस्ट्रिक जूस में ये एचसीएल प्लस डाइजेस्टिव एंजाइम दोनों मिलकर क्या बनाता है गैस्ट्रिक जूस, और इसी के कारण क्या होता है ये एसिडिक नेचर का होता है ये। स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करते हैं, यहाँ पे फूड जाता है तो फिर क्या होता है अल्कलाइन हो जाएगा ये, और आगे फूड क्या रहेगा यहाँ पे अल्कलाइन रहेगा, और फिर फूड यहाँ पे अल्कलाइन रहेगा, ठीक है। अब इस एसिडिक अल्कलाइन होने का कारण क्या है, जो फूड लेते हैं उसमें सॉल्ट होता है, दैट्स व्हाई अल्कलाइन, ठीक है। तो माउथ का पीएच क्या होता है जनरली 6.8 से 7.8 के बीच में होता है ये, और मोस्टली इसलिए वो अल्कलाइन होता है, जबकि स्टमक का पीएच क्या था 1.5 से 2 के बीच में होता है ये। स्मॉल इंटेस्टाइन में फिर अल्कलाइन क्या होता है, क्योंकि यहाँ पे बाइल जूस ऐड हो जाता है, बाइल जूस क्या होता है अल्कलाइन होता है, दैट्स व्हाई ये स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड क्या होता है अल्कलाइन हो जाता है ये। इन बातों को पहले आप लोगों को यहाँ पे आना चाहिए ना, अगर आपको समझ बूझ होता है इस टॉपिक को आपको समझने में सुविधा हो जाएगी, ये वो फंडामेंटल बातें जो मैं आपको बता रहा हूँ। वैसे ही मैं थोड़ा सा ग्लैंड का बात कर देता हूँ, डाइजेस्टिव ग्लैंड का मैं बात कर देता हूँ, डाइजेस्टिव ग्लैंड, अगर जहाँ तक ग्लैंड की बात है और जिसको मैं अभी आप लोगों से चर्चा कर रहा हूँ,
ग्लैंड आप लोग को बिल्कुल से एकदम से सारे स्टूडेंट्स को याद रखना चाहिए। तो डाइजेस्टिव ग्लैंड अगर आप लोग को नहीं याद होगा, बिल्कुल आप कोई भी क्वेश्चन तो बना तो सकोगे पर आप कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। एक ये चीज़ आप जान लो, सबसे पहले हम समझते हैं थोड़ा सा सलाइवरी ग्लैंड में, पहले फैक्चुअल बताता हूँ, कॉन्स्टिट्यूट फिर बताऊँगा आप लोगों को। सलाइवरी ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड तो पूछता है कहाँ पर, तो माउथ में है, ये है ना, है कहाँ पर, तो माउथ में है, ये पता हो गया। इसका पीएच कितना होता है, इसका पीएच होता है माउथ का कितना, 6.7 to 7.8, मैंने बताया था 7.8, ठीक है। वैसे अगर हम लोग बोले देखो न्यूट्रल होता है, न्यूट्रल का मतलब वो सेव है, पर 6.7 to 7.8 तक भी लोग कहते हैं माउथ का पीएच, ठीक है। जब इस ग्लैंड से निकलने वाला जो एंजाइम्स होता है वो न्यूट्रल पीएच का होता है, ठीक है। निकलने वाला एंजाइम कौन सा एंजाइम निकलता है, तो उस एंजाइम का नाम क्या है, एमाइलेज। निकलने एंजाइम का नाम क्या है, टाइलिन। और ये किस पे काम करेगा, तो ये कार्बोहाइड्रेट पे, टूट कार्बोहाइड्रेट पे करेगा, जैसे को बोलते हैं स्टार्च, ठीक है। इस स्टार्च को बदलेगा किस में, जब ये एंजाइम इस पर लग गया तो इसको ब्रेक डाउन करेगा, तो माल्टोज में, ठीक है। और इसलिए ये जो फूड थोड़ा सा यहाँ पे मीठा अपीयर होता है, ठीक है। और ये जो कंट्रोल है, ठीक है, यहाँ पे इसका निकलने का, ये आखिर जो मुंह में लार के ये बढ़ा जाता है, ठीक है। कई दफ़ा आप खाना भी नहीं खा, खाने को देख लार टपकने लगता है, क्यों लार टपकता है, क्योंकि नर्वस रिफ्लेक्स होता है, ये नर्वस रिफ्लेक्स के कारण कई दफ़ा आपके मुँह में पानी आने लगता है। और इसके पीछे कारण क्या है, कौन सा हार्मोन जवाब दे, तो एड्रेनलिन। तो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एड्रेनलिन हार्मोन्स इट गेट इन्फ्लुएंस्ड एंड स्टार्ट्स रिलीजेस फ्रॉम द कंसर्न ग्लैंड। ये बात यहाँ पे समझ गया। इसके अलावा भी एक और एंजाइम्स होता है, ठीक है, जो माउथ में कुछ बैक्टीरिया को भी मारने का काम करता है, ठीक है। इसको बोलते हैं हम लोग हैं लाइसोजाइम्स। तो सलाइवरी ग्लैंड में एक और एंजाइम है लाइसोजाइम्स, लाइसोजाइम्स होता है, ये बैक्टीरिया को मारने का काम करता है, ठीक है। दूसरा हम यही बात कर रहे थे आप लोगों को कि डाइजेस्टिव जो ग्लैंड है, मान लो हम ले लेते हैं यहाँ पे गैस्ट्रिक ग्लैंड। अब गैस्ट्रिक ग्लैंड में मतलब क्या निकलते थे, गैस्ट्रिक जूस, और गैस्ट्रिक जूस में क्या पाया जाता है, इसमें पाया जाता है तीन एंजाइम्स, नाम पता होगा आप लोगों को कौन कौन सा, पहला पेप्सिन, दूसरा हो गया रेनिन, तीसरा है लाइपेज। पेप्सिन ये क्या होता है, एसिडिक होता है नेचर का, याद रखना। सबका जो पीएच है 1.5 to 2 होगा, इसका भी जो पीएच है 1.5 to 2 होता है, याद रखना। अब ये किस पे काम करेगा, तो ये प्रोटीन को तोड़ता है, ये प्रोटीन पे। और ये किस पे, तो मिल्क को तोड़ने का काम करेगा। और ये किस पे, तो फैट को तोड़ने का काम करेगा। अब ये देखो ये प्रोटीन किस में बदलेगा, ये बदलेगा पेप्टोन में, बदलेगा पेप्टोन में। तो मिल्क को किस में बदलेगा, तो ये बदलेगा कैसीन में, कैसीन में। और ये किस में बदलेगा, तो ये बदलेगा फैट को, ठीक है, ये इसका मतलब फैटी एसिड प्लस कोलेस्ट्रॉल में, फैटी एसिड प्लस कोलेस्ट्रॉल में, ठीक है। और ये सब भी नर्वस रिफ्लेक्शन होता है गैस्ट्रिक हार्मोन्स का फ्रॉम म्यूकोस ऑफ स्टमक, ठीक है। तो ये भी नर्वस रिफ्लेक्शन का कारण होता है, और इसलिए हमारे पेट में चूहा कूदता है, नर्वस रिफ्लेक्शन यहाँ भी है जो हमारे पेट में चूहा कूदने कूदाने का काम करता है। तो मैं कहा हूँ कि इस बात को समझ लें आप लोगों को, ठीक है, ये दो समझ गए आप लोग। ठीक वैसे ही तमाम ग्लैंड्स हैं, जैसे मान लीवर हो गया, या पेंक्रियाज हो गया, या इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स हो गया, इससे कौन कौन सा एंजाइम निकलता है, ठीक है। तो मैं आगे बताऊंगा अगली क्लास में, तब तक ये सारे बच्चों को मेरे तरफ से थैंक्स एंड बाय। जिससे पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, तीन पार्ट में होना है। और हाँ एक चीज़ और, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना, वीडियो को लाइक शेयर कर देना, मुकेश सर नाम याद रखना, ठीक ना, और कोड यूज करना MKS1, ताकि आपको मिल जाए 10% का कॉन्सेशन। प्लस आप जब भी सब्सक्रिप्शन लो उसमें बिल्कुल इसको यूज करो,
और थैंक यू, और जरूर 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 सब्सक्रिप्शन ले लो आप लोग, ताकि तैयारी कर सकोगे मेरे साथ प्लस पे, ठीक है? तब तक सारे बच्चों को थैंक्स एंड बाय फ्रॉम माय साइड, टेक केयर। आज के लिए इतना ही, ज़्यादा नहीं पढ़ना चाहिए, ज़्यादा पढ़ने से एक बार ये थे, आप लोग नाम सुना होगा हेलिक्स का, गोल्डन हेलिक्स, डीएनए का मैं बात कर रहा हूँ, वाटसन क्रिक ने कहा था। क्रिक का एक लेबोरेटरी है कैवेंडिश में, तो उसने उसके बाहर लिखा हुआ है मोर रीडिंग रॉट्स द माइंड। कैवेंडिश में जो डीएनए का खोज करता थे ना, वाटसन और क्रिक, उसमें जो क्रिक थे वो कैवेंडिश में है, उनके लेबोरेटरी, उसका नाम आगे लिखा हुआ है, तख्ता है कि मोर रीडिंग रॉट्स द माइंड। सो क्लास कीजिए आप लोग, वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल को बटन दबाइए, प्लस अन अकेडमी का सब्सक्रिप्शन लीजिए। तब तक के लिए थैंक्स।